आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा के बबेरू कस्बे में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आयोजन के छठवें दिन धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम भगवान के संवाद का दृश्य मंचित हुआ। बबेरू कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का यह 177वां वर्ष है। रामलीला के छठवें दिन धनुष यज्ञ लीला की शुरुआत तन्मय पांडे शुभम पांडे द्वारा आरती व श्लोक के साथ की गई। वहीं धनुष भंग के पहले अभिनव कर रहे कलाकार चंगू सिंह ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सीता स्वयंवर के साथ ही अन्य दृश्यों को कलाकारों ने मंच पर जीवंत किया। रामलीला मंचन शुरू होने के साथ ही आयोजन स्थल पर दर्शकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और लोग मंचन के अंत तक डटे रहते हैं। बांदा से श्री महाकाल लोक टीवी के लिए शैलेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम जगत नारायण चतुर्वेदी है। मैं यहाँ पर रामायणाचार्य हूँ। किस प्रकार की लीला का आज आयोजन किया गया? आज धनुष भंग का आयोजन हुआ, श्री प्रभु जी का विवाह हुआ, परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ और रावण बाण असुर संवाद हुआ। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर देखने आए थे? लगभग यहाँ जो है 2,500-3,000 से कम नहीं थे, लोग ज्यादा ही रहे होंगे। कब से रामलीला का आयोजन हो रहा है? ये 176 साल पूरे हो गए, 177वां साल चल रहा है रामलीला। आज सीता स्वयंवर यानी धनुष यज्ञ की रामलीला का आयोजन हुआ है। संत वीरदास बाबा की अनुकंपा से संचालित है यहाँ बबेरू की रामलीला। यहाँ के कलाकारों की सुप्रसिद्धि ज्ञान और विद्वता के कारण सब दिन रही है और आज भी कायम है। आज रावण बाणासुर संवाद और लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे जनता ने खूब सराहा, राम का अभिनय रौनक, लक्ष्मण का अभिनय राघव पांडे और सीता का अभिनय रुद्र मिश्रा, परशुराम का अभिनय अवधेश गौतम और रावण का अभिनय वकील पांडे, बाणासुर का अभिनय शिवासोनी ने किया, जो वास्तव में अति सराहनीय रहा। सभी मंचीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को ज्ञान से परिपूर्ण दिखाया है और प्रबंध समिति पूरा सहयोग करती है। आचार्य गोरेलाल मिश्र जी और आचार्य दिलीप सोनी तथा रामायणाचार्यों का, सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, जिस सहयोग के कारण यहाँ की भावनात्मक भावपूर्ण रामलीला संपादित होती है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। यूपी के गोंडा में अपने दौरे पर आए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का घेराव किया गया। घेराव करने वाले इकबाल फाउंडेशन और भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं ने मंत्री को जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी की। मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मंत्री असीम अरुण से कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय स्थापना की मांग पूरा करने के लिए आश्वासन दिया गया। अविनाश सिंह और दीपक वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय स्थापना की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। गोंडा से श्री महाकाल लोक टीवी के लिए दिलीप कुमार यादव की रिपोर्ट। गोंडा में विश्वविद्यालय पास हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी और जमीन भी आवंटित हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या रीजन आई कि विश्वविद्यालय जो यहाँ बनना था उसे यहाँ से हटा के बलरामपुर बना देते हैं। देखिए, हम बलरामपुर का प्रतिशोध नहीं करते, वहाँ पे उसकी आवश्यकता वहाँ बने, हम उसकी ये नहीं कह रहे कि वो वहाँ से हटाया जाए गोंडा है। हम मांग करें गोंडा में नया विश्वविद्यालय बनाया जाए, इसी के लिए आपको हम ज्ञापन देना। मुझे बेटा इसकी पूरी जानकारी नहीं, जानकर ठीक है।
सर्किल बना लो यार।